हेलो मित्रों, छात्रगण, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर ज्योग्राफी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि इस व्हाइट बोर्ड पे टॉपिक लिखी हुई है, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। जैसा कि मालूम होगा, जो आप लेक्चर सुनते आ रहे हैं, नोट्स लिखते आ रहे हैं, उसमें से भारत के भौतिक स्वरूप को मैंने चार भागों में बांटा था। उत्तर का विशाल हिमालय पर्वत, सेकंड नंबर में था, बी नंबर में उत्तर का विशाल मैदान, और आज भौतिक स्वरूप का सी पार्ट है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटो, और नंबर फोर है समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। मतलब भारत के भौतिक स्वरूप को जो चार भाग में बांटे थे, उसका थर्ड पॉइंट आज आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे, ताकि आपको नोट्स लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। आप इस मैप पे गौर कर रहे होंगे, इस पठार को मैंने यहां पर भी और यहां पर भी ड्रॉ किया है, ये इलाका। ये मतलब बोल सकते हैं उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण से लेकर मुख्य भारत की भूमि के दक्षिण तक, मतलब केरल तक, तमिलनाडु तक, एक बहुत बड़े भाग में भारत का भौतिक स्वरूप फैला है, जिसे पेनिनसुलर प्लेटू, जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। स्पष्ट लग रहा है इस मैप से कि भारत के चार जो भौतिक स्वरूप थे, उसमें से सबसे बड़ा अगर कोई भौतिक स्वरूप है, सबसे लार्जेस्ट फिजिकल स्ट्रक्चर अगर कोई है, तो वो है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू। वो इस प्रकार कि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, और उस 32 में आधा, मतलब 16, उस 32 का हाफ 16 लाख वर्ग किलोमीटर में अकेले प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, एरिया है। और ये एरिया जो है वो भारत की सबसे पुरानी भौतिक स्वरूप है, ओल्डेस्ट फिजिकल स्ट्रक्चर। दैट मींस प्रायद्वीपीय पठार इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। प्रायद्वीपीय पठार विश्व के गोंडवाना लैंड का एक भाग है, मतलब ये सबसे ओल्डेस्ट भूमि है। अगर प्रश्न ये आ जाए कि भारत का कौन सा भौतिक स्वरूप सबसे पुरानी है, तो उसका उत्तर होगा प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू। हम इसे प्रायद्वीपीय नाम इसीलिए दिया क्योंकि आपको पहले से मालूम है व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ पेनिनसुलर, प्रायद्वीपीय का अर्थ क्या है। तो प्रायद्वीप का तो अर्थ ही होता है जिसके एक ओर स्थल हो और तीन ओर पानी हो। प्रायद्वीपीय पठार इसके ईस्ट, इसके साउथ, इसके वेस्ट इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, जबकि इसके नॉर्थ में स्थल ही स्थल है। इसीलिए इस भौतिक स्वरूप का नाम दिया गया है पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार। तो छात्रगण, आप समझ गए होंगे कि प्रायद्वीपीय पठार क्या है और प्रायद्वीपीय इसे नाम क्यों दिया गया है। अब हम इस पठार के जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा पॉइंट पूछी जाती है वो बताना चाह रहे हैं।
ये प्रायद्वीपीय पठार, आप गौर कीजिएगा कि इस पठार को मैंने किनारे वाले भाग को छोड़ दिया है। देखिए इस भाग को मैंने छोड़ रखा है, क्योंकि ये जो भाग मैंने छोड़ रखा है ये तो कोस्टल प्लेन है, समुद्र तटीय मैदान है, मतलब तटीय मैदान के बाद दोनों ओर ही प्रायद्वीपीय पठार है। इस प्रायद्वीपीय पठार को उसके फिजियोग्राफी, उसके रिलीफ उचावच, उसके धरातलीय बनावट के आधार पर इस प्रायद्वीपीय पठार को मुख्य रूप से 10 भागों में बांटी जाती है। कितने भागों में? 10 भागों में। देखिए उस 10 का नाम लिख रहे हैं हम, जिसे लिखा मैंने अरावली, मालवा पठार, बुंदेलखंड का पठार, इसे बघेलखंड भी बोलते हैं, छोटा नागपुर का पठार, दैट मीन्स हमारा झारखंड, नंबर 5 मेघालय का पठार, नंबर 6 विंध्याचल, नंबर 7 सतपुरा, नंबर 8 दक्कन का पठार, दक्कन पठार, नंबर 9 पश्चिमी घाट, और नंबर 10 है पूर्वी घाट। देखिए जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न ऐसा कभी नहीं आता है कि प्रायद्वीपीय पठार को धरातलीय बनावट, दैट मीन्स फिजियोग्राफी के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं। तो बांटते तो हैं 10 भागों में, परंतु जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा प्रश्न नहीं आता। तो आप सोच रहे होंगे कि सर आपने बांटा है 10 भागों में, तो प्रश्न आता कैसे है? देखिए इस 10 भाग के जो ये 10 पार्ट्स है, इसमें किसकी क्या विशेषता है, वैसा ही प्रश्न आपसे पूछी जाती है परीक्षाओं में। जैसे मैं लिखा सबसे पहले अरावली, तो देखिए इस मैप में अरावली कहां है? ये है, ये जो नंबर है इसी का नाम है अरावली। उसके बाद यहां पर है जो पार्ट है वो है मालवा का पठार, यहां पर है बुंदेलखंड या बघेलखंड का पठार, ये तो हमारा झारखंड मतलब कौन, छोटा नागपुर का पठार, और ये है मेघालय का पठार, ये इलाका है विंध्याचल, मतलब नंबर 6 पॉइंट जो लिखा मैंने। उसके बाद इसी के पैरेलल है सतपुरा, यहीं पर है दक्कन का पठार, और ये है पश्चिमी घाट मतलब नंबर 9, और ये है पूर्वी घाट मतलब ईस्टर्न घाट। अब हम एक एक पॉइंट पे आ रहे हैं कि कौन सा प्रश्न कौन से पार्ट से पूछी जाती है और कैसा प्रश्न पूछा गया है। जैसे अरावली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई पॉइंट, हम बता दें विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत, वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन, और खासकर फोल्डेड माउंटेन मुड़दार पर्वत में अगर किसी काउंटिंग होती है तो वो काउंटिंग हमारा भारत का अरावली की भी होती है। दैट मीन्स अरावली इज द ओल्डेस्ट माउंटेन, दैट मीन्स ओल्डेस्ट
फोल्डेड माउंटेन अरावली पर्वत, जिसका विस्तार, प्रश्न आता है अरावली का विस्तार कहां पर है, तो उसका उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान में अरावली पर्वत का विस्तार है। यद्यपि ये शुरू होती है अहमदाबाद के निकट से और खत्म होती है जाके दिल्ली में, लेकिन इसका मैक्सिमम पार्ट कौन से राज्य में है, तो राजस्थान में है। और छात्रों मित्रगण याद रखें, माउंटेन तभी होगा, भूगोल में एक डिफिनेशन है कि माउंटेन किसे कहते हैं, उस डिफिनेशन में एक पार्ट है कि अगर कोई माउंटेन है तो उसकी पीक पॉइंट चोटी जरूर होगी। मतलब अरावली, मैं बोल रहा हूं कि अरावली पर्वत है तो निश्चित तौर पे अरावली की कोई ना कोई ऊंची चोटी होगी। तो अरावली की जो ऊंची चोटी है, पीक पॉइंट है, उसका नाम है गुरु शिखर। प्रश्न आता है गुरु शिखर नाम की चोटी कौन सी पर्वत की चोटी है, तो उत्तर होगा अरावली। या अरावली की उच्च चोटी कौन है, गुरु शिखर। एक देखा जाए तो गुरु शिखर ही माउंट आबू है, जो जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल भी है। लेकिन अरावली पर्वत इतनी पुरानी है, इसका हो गया है इरोजन, ये कटते 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 वर्तमान में एक प्लेटू का रूप, पठार का रूप ले लिया है। कौन, अरावली इतनी पुरानी है कि ये पर्वत अब पठार का रूप ले लिया है। इस अरावली को अनेक जगहों पर अलग अलग लोकल नेम से पुकारी जाती है। जैसे इसे दिल्ली में बोलते हैं दिल्ली की पहाड़ियां, लेकिन वो है कौन पर्वत, अरावली। नेक्स्ट हम लिखे मालवा का पठार। देखा जाए तो अरावली के पूरब, अरावली के पूरब मालवा का पठार भी है, और मालवा के फिर पूरब बुंदेलखंड या बघेलखंड का पठार है। तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड या बघेलखंड कहां पर है, तो अरावली पर्वत के पूरब में है। यह ऐसा इलाका है जहां चंबल, केन, बेतवा नाम की नदियों ने इस पूरे पठारी इलाका को जहां तहां काट दिया है, तहस नहस कर दिया है, और पूरा क्षेत्र जंगलों, गुफाओं और बीहड़ क्षेत्रों में तब्दील हो गया है। नदियों के फोर्स से, नदियों के बहाव से ये पूरा इलाका कट छट गया है। कौन, मालवा पठार और बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। नेक्स्ट में आ रहे हैं हम छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहने का अर्थ है झारखंड, जिसका निर्माण सन 15 नवंबर सन 2000 को हुआ। ये छोटा नागपुर का पठार, मतलब झारखंड की बात कर रहा है, तो स्पष्ट हो गया कि झारखंड, या मैप पे गौर कीजिए आप लोग कि झारखंड भारत के उत्तर में, उत्तर के पूर्व में है। ये झारखंड है, मतलब ये विशाल मैदान और हिमालय के नजदीक जरूर है, लेकिन झारखंड जो मैदान के नजदीक है, जो माउंटेन के भी नजदीक बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये झारखंड जो उत्तर पूर्व में फैला एक राज्य है, कौन से भारत का भौतिक स्वरूप का एक अंग है, तो उत्तर होगा प्रायद्वीपीय पठार।
प्रश्न आपको पूछी जाती है परीक्षाओं में कि झारखंड जो भारत के उत्तर पूर्व में फैला है कौन से भौतिक स्वरूप का भाग है, तो उत्तर होगा प्रायद्वीपीय पठार का भाग है जिसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच है। यद्यपि थुरनागपुर का पठार की सबसे हाईएस्ट जो चोटी है वो है पारसनाथ पर्वत का सम्मेद शिखर जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर, लेकिन इसी छुरनागपुर के पठार में इसका एक भौतिक भाग है, इसका एक फिजिकल डिवीजन है, उस डिवीजन का नाम है पाट का प्रदेश। पाट प्रश्न आता है पाट का प्रदेश कौन से भाग का एक भाग है या किसका एक भाग है, तो उसका उत्तर होगा छुरनागपुर के पठार का ही तो एक भाग है पाट का प्रदेश। और यह पाट का प्रदेश झारखंड का सबसे ऊंचा भौतिक स्वरूप है, सबसे ऊंचा। तो झारखंड का सबसे हाईएस्ट या सबसे ऊंचा भौतिक स्वरूप कौन है, कौन सा क्षेत्र है, हम बात कर रहे हैं क्षेत्र का। अगर बोलेगा चोटी कौन है, तब तो मैंने बता दिया आपको कि पारसनाथ का सम्मेद शिखर। लेकिन बोलेगा कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र सबसे ऊंचा है, तो उसका उत्तर होगा पाट का प्रदेश। और इसी पाट के प्रदेश में भारत का विख्यात, आपने नाम सुना होगा, नेतरहाट पाट। तो नेतरहाट पाट कौन से प्रदेश का भाग है, तो उत्तर होगा छोटा नागपुर का ही एक भाग है। कौन? पाट, दैट मीन्स नेतरहाट पाट। और नेतरहाट पाट झारखंड के पाट के प्रदेश की सबसे ऊंची भाग है जिसकी हाइट है 1080 मीटर। और ये पूरा छुरनागपुर का 90% भाग गोंडवाना काल के इग्नियस ग्रेनाइट निस सिस्ट कायंत्रित चट्टानों से बना है। छोटा नागपुर के पठार के 90% भागों पर चट्टान अग्नेय है, इसीलिए तो इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां के 90% भागों पर लाल मिट्टी पाई जाती है, तब भी उसका उत्तर होगा छोटा नागपुर का पठार। मतलब जिस स्थान पे जैसा चट्टाने पाई जाती है वैसा ही उस क्षेत्र में मिट्टी का फॉर्मेशन, मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे झारखंड के 90% भागों पर ग्रेनाइट, जो इग्नेस का पार्ट्स है, निस सिस्ट है, जहां पे 90% भागों पर अगर चट्टान अग्नेय है तो इग्नेस ग्रेनाइट निस सिस्ट जब टूटती है, जब उसका होता है इरोजन, तो मिट्टी बनती है लाल। ये विशेषता है छोटा नागपुर के पठार का। नेक्स्ट हम आ रहे हैं मेघालय का पठार। अब यहां गौर कीजिए, आप कभी जाएंगे मेघालय तो आपको महसूस होगा कि हम हिमालय के पास हैं, हम हिमालय में हैं, क्योंकि आपके चारों तरफ आपको लगेगा कि हम हिमालय के पास ही तो हैं। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेघालय का पठार
देखिए यहां पर है, पठार भारत के कौन से भौतिक स्वरूप का भाग है, तो उसका उत्तर होगा प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। मतलब प्रायद्वीपीय पठार का सबसे पूर्वी, सबसे ईस्टर्न इलाका कौन है, तो उसका उत्तर होगा मेघालय का पठार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मेघालय का पठार किसका भाग है, तो उसका उत्तर होगा प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इसी मेघालय के पठार में शिलोंग की चोटी, शिलोंग की चोटी कहां पर है, तो मेघालय के पठार में है। और इसी मेघालय के पठारों में विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, रेनी एरिया का नाम है मासिनराम। पहले याद रखिए, पहले था चेरापूंजी, अभी है मासिनराम। तो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम कहां पर है, तो उसका उत्तर होगा मेघालय का पठार में है। और इसी मेघालय के पठार में छोटी मोटी और भी पहाड़ियां हैं, जैसे गारो, खासी, जयंतिया, मिकीर। तो गारो, खासी, जयंतिया, मिकीर, शिलोंग कौन से क्षेत्र का भाग है, तो उसका उत्तर होगा मेघालय का पठार। और ये मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ईस्टर्न पार्ट है। ओके छात्रगण, अभी तक समझ गए होंगे कि कौन से किसका क्या विशेषता है। मैंने पहले बता दिया कि परीक्षाओं में यह नहीं पूछी जाएगी कि प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटते हैं, आपको पूछा जाएगा किसकी क्या विशेषता है। अब हम एक पॉइंट पे आ रहे हैं, नेक्स्ट में मैंने लिखा है विंध्याचल। देखिए लिखा है मैंने विंध्याचल, और फिगर में ये रहा आपका विंध्याचल, ये विंध्याचल, ये विंध्याचल है। तो जब ये विंध्याचल है, तो स्पष्ट लग रहा है कि विंध्याचल जो पर्वत है, जो अभी पठार हो गया है, विंध्याचल की गिनती भी ओल्डेस्ट माउंटेन में की जाती है, पुराने पर्वतों में इसकी भी काउंटिंग होती है। विंध्याचल भारत के लगभग मध्य में है, जो नर्मदा नदी के मुहाना से लेकर मध्य होते हुए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तक चली गई है, एकदम भारत के लग रहा है कि मध्य में है। मध्य में रहने के कारण विंध्याचल के उत्तर से उत्तर में जो नदियां निकलती है ऊपर बहती है, जो नीचे निकलती है वो नीचे बहती है। इसीलिए तो विंध्याचल पर्वत को भारत का नदी विभाजक पर्वत के नाम से भी जानी जाती है। प्रश्न आता है, ऐसे तो आरावली को ही बोलते हैं नदी विभाजक पर्वत, लेकिन अगर इंपॉर्टेंस है तो वो है विंध्याचल। प्रश्न आता है, कौन सा ऐसा इनमें से इलाका, क्षेत्र है जिसे नदी विभाजक पर्वत भी कहते हैं, तो उसका उत्तर होगा विंध्याचल। हम फिर बोल दिए कि माउंटेन के डिप्रेशन में ये बातें आती है कि माउंटेन अगर है तो पीक पॉइंट भी है, चोटी भी होगी। हम बोल रहे विंध्याचल एक पर्वत है, तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई ऊंची चोटी, पीक पॉइंट जरूर होगी। तो विंध्याचल की ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। क्या नाम है छात्रगण? अमरकंटक। और इसी अमरकंटक से दो नदियों का
जो सबसे विख्यात है उसका उद्गम हुआ है, और उस दो नदी का नाम है, एक का नाम है नर्मदा और एक का नाम है सोन। प्रश्न आता है नर्मदा और सोन कहां से निकली है, तो उसका उत्तर होगा विंध्याचल की चोटी अमरकंटक से। अब निकलेगा अमरकंटक से तो सोन चल जाएगी नॉर्थ की ओर और अमरकंटक विंध्याचल के पैरेलल बहते हुए गिर जाएगी अरब सागर में, और नर्मदा ही ऐसी नदी है, ताप्ती भी है, भारत की नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदी है जो डेल्टा नाब बनाकर एस्चुरी बनाती है। हम बाद में छात्रगण बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा एंड एस्चुरी। तो विंध्याचल पर्वत की चोटी है अमरकंटक, नदी निकलती है नर्मदा और सोन, सोन चल जाती है उत्तर की ओर और नर्मदा आ जाती है पश्चिम की ओर, गिर जाती है अरब सागर में, जिसे और इसी नर्मदा को लाइफ लाइन ऑफ गुजरात, इसे गुजरात की जीवन रेखा नदी कहती है, और इसी नर्मदा पर नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण हुआ है। किस पर? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट आते हैं सतपुरा। तो देखिए फिगर में ये नर्मदा, सॉरी ये विंध्याचल नंबर 6 और इसी के पैरेलल जो है वो है सतपुरा, मतलब नंबर 7। प्रश्न आता है छात्रगण ध्यान पूर्वक देखें इसे, प्रश्न आता है कि विंध्याचल ऐसे है तो विंध्याचल के समानांतर कौन से पर्वत पाई जाती है, तो उसका उत्तर होगा सतपुरा, मतलब विंध्याचल पर्वत के समानांतर कौन सी पर्वत है, तो उसका उत्तर होगा सतपुरा। आप सुने होंगे एक भारत का एक कविता है सतपुरा के घने जंगल, वही सतपुरा। तो हम बोल रहे हैं सतपुरा जो विंध्याचल के समानांतर है और इसकी काउंटिंग भी वर्ल्ड के ओल्डेस्ट माउंटेन में की जाती है, तो निश्चित तौर पे अगर सतपुरा पर्वत है तो चोटी जरूर होगी, क्योंकि विदाउट चोटी पर्वत नहीं होता। तो सतपुरा की चोटी का नाम है धूपगढ़। कौन गढ़? धूपगढ़। तो छात्रगण मित्रों आप देखिए अरावली की चोटी गुरु शिखर, विंध्याचल की चोटी अमरकंटक, सतपुरा की चोटी धूपगढ़, मेघालय का एक चोटी था शिलोंग की चोटी, छोटा नागपुर की चोटी पारसनाथ का सम्मिलित शिखर। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम शायद नहीं हुआ होगा समझने में। नेक्स्ट आते हैं हम दक्कन का पठार। देखिए इस फिगर में 8 नंबर, यह दक्कन का पठार। दक्कन पठार का मैक्सिमम विस्तार महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र के अलावा इसका विस्तार आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है और थोड़ी बहुत
छत्तीसगढ़ में भी है। किसकी? दक्कन पठार का। दक्कन का पठार भारत में क्यों इतना विख्यात है? तो उसका उत्तर है लावा का विस्तार। भूगोल का एक काल है, उस काल का नाम है, एक युग है, क्रीटेशियस। विश्व में क्रीटेशियस ऐसा काल है जब पूरे विश्व में पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, लावा, ज्वालामुखी के माध्यम से इस धरातल के ऊपर आ गया। तो जब विश्व में आया तो भारत में भी आया। तो भारत के दक्कन के पठार में कौन से काल के लावा का विस्तार है? तो उसका उत्तर होगा क्रीटेशियस काल। और जब लावा का विस्तार हो गया, फैल गया, तो उस लावा के टूटने से, अपरदन से, इरोजन से मिट्टी बनी काली मिट्टी। कौन मिट्टी? काली मिट्टी। हम बता दें आपको कि मैग्मा लावा जब बाहर आती है तो जमने से चट्टान का निर्माण होता है और उस चट्टान का नाम बोली जाती है बेसाल्टिक रॉक्स, बेसाल्ट की चट्टाने। और वो बेसाल्ट मतलब लावा मैग्मा, और वो बेसाल्ट जब टूटती है, इरोजन होता है, तो मिट्टी बनती है। कैसी बनती है? तो उत्तर होगा काली मिट्टी बनती है। प्रश्न आता भी है कि भारत में दक्कन के पठार में कौन से चट्टान है? तो उसका उत्तर होगा लावा मैग्मा का बेसाल्ट चट्टान। और फिर प्रश्न आता है इनमें से कहां ब्लैक सॉइल का अधिकतम विस्तार है, मैक्सिमम एरिया है? तब भी उत्तर होगा दक्कन का पठार। और काली मिट्टी लगभग सभी फसलों के लिए सूटेबल है, लेकिन अगर इस मिट्टी में आपने कॉटन सीड्स, कपास की खेती किया, तो कपास की खेती अगर आपने काली मिट्टी में किया तो बहुत ही बंपर प्रोडक्शन होता है। इसीलिए तो काली मिट्टी को कॉटन सॉइल, कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि भारत में मेजर सॉइल चार है, एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट। तो कौन सा सॉइल इनमें से कॉटन के लिए बहुत ही अच्छी है? तो उसका उत्तर होगा काली मिट्टी। और प्रश्न ये आ जाए काली मिट्टी का विस्तार इनमें से सबसे ज्यादा कहां है? तब भी उत्तर होगा दक्कन का पठार। ओके, नेक्स्ट नंबर 9 में है पश्चिमी घाट और नंबर 10 में है पूर्वी घाट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब 10 जो डिवीजन है उस 10 में अगर कोई सबसे अधिक इंपॉर्टेंस है तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। इसे अंग्रेजी बोलते हैं वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। अब आप इस मैप पे गौर कीजिए, इस मैप पे आइए तो गौर कीजिए, ये पठार का ये किनारे वाला भाग, ये भाग मतलब पश्चिमी भाग, ये वाला भाग, ये लगेगा एक दीवार की भांति खड़ी है, एक माउंटेन है। इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट। और एक पूरब में भी दीवार की भांति एक
खड़ी है माउंटेन, इसका नाम दिया गया है ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। तो ये पश्चिमी घाट जो तट के बाद है, कोस्टल के बाद है, ये पश्चिमी घाट को एक और अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे एक और नाम सह्याद्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विभिन्न परीक्षाओं में छात्रगण ये प्रश्न पूछा गया है कि सह्याद्री किसका एक और नाम है, और ऑप्शन आएगा सतपुरा, दक्कन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो आपका उत्तर छात्रगण क्या होगा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानी जाती है, जो एक दीवार की भांति खड़ी है। और यह पश्चिमी जो घाट है शुरू होगा ताप्ती के मुहाना से, मतलब जहां ताप्ती नदी मिलती है सागर में, वहां से प्रारंभ होगा और खत्म होगा, देखा जाए तो लगभग कन्याकुमारी तक आके खत्म हो जाएगा। देखा जाए तो पश्चिमी घाट को भी हम तीन भाग में बांट सकते हैं, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, बांटा जा सकता है। और इसी पश्चिमी घाट में जो माउंटेन की भांति, दीवार की भांति खड़ी है, इस पहाड़ी जो दिखती है, माउंटेन है जो कट हट गया है, उसी पहाड़ियों के बीच से जहां तहां रास्ते एक दूसरे शहर से जुड़ती है, जिसे पासिस दर्रा के नाम से जाने जाती है। आप सुने होंगे दर्रा, आपने सुना होगा पाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सब क्या है? दर्रा है, पासिस है। आप सोचेंगे कि सर दर्रा है क्या? दो पहाड़ियों के बीच से जो रास्ते गुजरते हैं उसे दर्रा के नाम से जानी जाती है। हम लिखे यहां पर थाल घाट, तो थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा कहां पर है? तो उसका उत्तर होगा पश्चिमी घाट। निश्चित तौर पे दर्राएं एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है, जैसे मुंबई और पुणे, मुंबई और पुणे को जोड़ने वाली दर्रा को क्या बोलते हैं? तो उसका उत्तर होगा थाल घाट। या थाल घाट किनको किनको जोड़ती है? तो मुंबई और पुणे को। जबकि भोर घाट मुंबई और नासिक को जोड़ती है। प्रश्न आता है मुंबई और नासिक को जोड़ने वाली दर्रा को किस नाम से जानते हैं? तो उसका उत्तर होगा भोर घाट। और इस पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिण में एक दर्रा का नाम है पाल घाट, जो केरल के कोच्चि और तमिलनाडु को जोड़ती है। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट कहां स्थित है छात्रगण? तो आपका उत्तर होगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट पूर्वी घाट। यद्यपि पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है, जबकि पूर्वी घाट की लंबाई 1300 किलोमीटर है। ये एक दीवार की भांति ऊंची है, जबकि
पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है और ये जहां तहां नदियों ने इसे काट दिया है, क्योंकि जैसे यहां बहेगा कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सब नदियां पूर्वी घाट को काटती हुई गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और इस पूर्वी घाट की जो एक माउंटेन की भांति है, इसकी एक सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। कौन गिरी? महेंद्रगिरी, जो उड़ीसा राज्य में है। तो प्रश्न आता है अगर कि पूर्वी घाट की सबसे हाईएस्ट चोटी कौन है, तो उसका उत्तर छात्रगण क्या होगा? महेंद्रगिरी। कौन से राज्य में है? तो उसका उत्तर होगा उड़ीसा राज्य में है। अब एक पॉइंट पे गौर कीजिए और इस मैप पे देखिए आप लोग कि ये फिगर ऐसे है, तो ये इलाका को मैंने छोड़ रखा है क्योंकि ये इलाका खाली है, तटीय मैदान है। अब मेरा घाट तो यहां पर है, किनारे वाले भाग को छोड़कर। लेकिन मैप में देखिए ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट नीचे आकर मिल गया है। दोनों जो बनता है ना भी, ये भी सेफ हुआ, तो ये पश्चिमी और ये पूर्वी आके मिल गया है, आके मिल गया है। देखिए यहां पर तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पर आके मिलते हैं उस स्थान को एक नाम दिया गया है, या उस स्थान पर कौन सा पर्वत है, तो वो है नीलगिरी। कौन गिरी? नीलगिरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन पर कौन सा पर्वत है, तो नीलगिरी है। इसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। तो हम बोल रहे दोनों के मिलन पर नीलगिरी है और पर्वत है, तो अगर पर्वत है तो चोटी जरूर होगी। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन पर पर्वत का नाम है नीलगिरी और नीलगिरी की चोटी का नाम है दोदा बेटा। तो दोदा बेटा किसकी चोटी है? नीलगिरी की है। नीलगिरी पर्वत कहां पर है? तो पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन पर है। और इसी नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में भी इसके नीचे एक और पर्वत है और उस पर्वत का नाम है अन्नामलाई। तमिलनाडु में है। अन्नामलाई नाम का एक यूनिवर्सिटी भी है जो इसी पर्वत से पड़ा है। तो अन्नामलाई नीलगिरी के उत्तर की दक्षिण में है, नो डाउट। और ये पर्वत है, तो पर्वत अगर है तो फिर चोटी होगी। तो इसकी चोटी का नाम है अनाई मुडी। मतलब नीलगिरी की चोटी दोदा बेटा और अन्नामलाई की चोटी अनाई मुडी, मतलब दोनों चोटी हो गया और दो पर्वत हुआ। नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन पर है, इसका यह अर्थ नहीं है कि दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पीक पॉइंट ऑफ सदर्न इंडिया। दोदा बेटा दक्षिण भारत की ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की अगर सबसे कोई ऊंची चोटी है तो वो है अन्नामलाई की अनाई मुडी। अन्नामलाई की अनाई मुडी।
अर्थात पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन पर पर्वत है नीलगिरी, चोटी है दोदा बेटा और उसके नीचे है अन्नामलाई और चोटी का नाम है अनाई मुड्डी। इस प्रकार दोस्तों छात्रगण, हम आपको समझाने का प्रयास किए कि प्राय द्वीप पठार क्या है, कैसे ओल्ड है, किसका भाग है, कितने भागों में बांटते हैं और कौन से पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन है। ओके छात्रगण, हम समझते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा व्हाट इज पेनिनसुलर प्लेटू। थैंक यू।